कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के भी निरंतर प्रयास हुए, अनगिनत प्रयास हुए। भारत को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीत रिवाज इन सब से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालखंड था, सैकड़ों सालों का कालखंड था, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चरम पर था। और कुछ लोग तो ये मान के चलते थे कि हम तो यावत चंद्र दिवा करो यहां पर राज करने के लिए आए हैं, लेकिन आजादी की ललक ने उनके सारे मंसूबों को जमीन दोस्त कर दिया।